मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो मेरे बच्चे कैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दो तरह की लैंग्वेज लिख रहे हैं, लेफ्ट से इंग्लिश में, राइट से हिंदी में, है ना कमाल, और अलग अलग बात लिख रहे हैं। तो सोचो कहाँ उनका ब्रेन चला गया है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को राइट ब्रेन की एक ऐसी ज़बरदस्त एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ जो इतनी आसान है कि आप इसको जहाँ पे चाहे जब चाहे तब कर सकते हैं, और ये इतने बेनिफिट देती है ज़बरदस्त कमाल। मतलब जितने लोग मेरे मिड ब्रेन एक्टिवेशन का पैकेज लेकर, और उसके अंदर एक एक्सरसाइज होती है ना लेफ्ट राइट ब्रेन की बैलेंसिंग के लिए, जो उन एक्सरसाइज को करते हैं वो तो कंपलसरी है, उसको तो करना ही है। बट मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि सर कोई ऐसी एक्सरसाइज बताओ जिसको हम लोग डेली कर पाएँ, डेली कर सके। तो मैं एक इतनी आसान तरकीब आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका राइट ब्रेन बूस्ट हो जाएगा, कमाल के बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि लेफ्ट ब्रेन हमारा जो है उसी का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, राइट ब्रेन का इस्तेमाल बहुत कम हम लोग करते हैं। तो जो अगर हम लोग स्कूल की पढ़ाई करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग अपने लेफ्ट ब्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। जो लोग राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं उनकी मेमोरी, उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका विजुअलाइजेशन पावर, उनका फ्यूचर प्लानिंग, वो सब कुछ राइट ब्रेन के तहत ही आती है। मतलब राइट ब्रेन से ही ये सारी चीज़ें डेवलप होती है। और दोस्तों सबसे बुरी बात ये होती है कि हम लोग राइट ब्रेन का ही सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो आप लोग सुनते हो ना कि हम लोग अपने ब्रेन का 3-4% यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ जिस ब्रेन के बारे में बात होती है ना वो लेफ्ट ब्रेन के बारे में बात होती है। मतलब हम लोग अगर 3-4% भी अगर अपने दिमाग का, पूरे दिमाग का उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग लेफ्ट ब्रेन का कर रहे हैं। मतलब राइट ब्रेन का तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम हम लोग उपयोग करते हैं। तो मैं राइट ब्रेन के रिगार्डिंग कि उसको कैसे शार्प किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज बताने वाला हूं, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कमाल की है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारा राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी हम जितनी भी एक्टिविटी अपने लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, पूरी बॉडी के लेफ्ट पार्ट से जितनी भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उन एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है हमारा राइट ब्रेन। और राइट साइड की बॉडी से हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, इसका मतलब उसको कंट्रोल कर रहा है हमारा लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोग होते हैं जैसे क्रिकेटर्स या फुटबॉल खेलने वाले लोग या जो भी है, मतलब जो लोग अपने लेफ्ट हैंड का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उनके बारे में ये बोला गया है हमेशा से कि वो ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं। उनके बारे में एग्जांपल भी दिए जाते हैं बहुत सारे। सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन का ही नाम लेते हैं, उनके अलावा और बहुत सारी शख्सियत ऐसी है। हालाँकि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए। अब एक्सरसाइज शुरू करने की बारी ये आती है कि अगर आप देखो, मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड राइटिंग करने वाले लोग होते हैं, जो मतलब सीधे हाथ से लिखते हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा आपको बताऊंगा, बिकॉज आप अपने लेफ्ट ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तो अभी आपको एक्सरसाइज के तौर पे क्या करना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करो लेफ्ट हैंड से, या जितने भी मतलब आप काम कर सकते हो वो लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करो। सबसे अच्छा एक्सरसाइज तो यही है कि आप लेफ्ट हैंड से लिखो, उतना ही खूबसूरत लिखने की कोशिश करो जितना आप राइट हैंड से लिखते हो। इससे दो फायदे होंगे आपको, एक तो आपका राइट ब्रेन और ज़्यादा शार्प हो जाएगा, आपकी विजुलाइजेशन पावर बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिव माइंड जो है ना आपका बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगी जो अभी तक नहीं है आपके अंदर, ठीक है। तो ये करना आप शुरू करें तो। और उसके अलावा राइट हैंड से आप जो भी काम करते हैं, मानो सुबह सुबह अगर आप धोते भी हैं, तो ज़्यादातर आदमी राइट हैंड से धोते हैं, तो आप धोते हैं मतलब जब आप अपना चेहरा धोते हैं सुबह, ठीक है ना, तो आप सीधे हाथ से धोते होंगे, सीधे हाथ से साबुन लगाते होंगे या फेस वॉश का इस्तेमाल करते होंगे, तो आप लेफ्ट हैंड से उसी तरीके से उसी खूबसूरती से धोने की कोशिश करो चेहरे को, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जरा सोचो, जरा इससे आसान क्रिया कोई हो सकती है क्या? मतलब अद्भुत कमाल। एक तो आप कहीं पे भी, घर पे, बाहर, ऑफिस में, रात को सोते समय, दिन में उठते समय, किधर भी, कहीं भी आप इन चीज़ों को कर सकते हो, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, आप सोचो जरा एक बार, आप राइट हैंड से भी उतना ही साफ लिखते हो, उतना अच्छा लिखते हो, इतना सुंदर लिखते हो कि कमाल, और आप लेफ्ट हैंड से भी उतना ही लिखते हो, तो एक तो आपके अंदर एक नए तरीके का टैलेंट उभर रहा है, पहले तो ये हो गया। और दूसरा, आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों बड़ी खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के आपकी कामयाबी के लिए काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बूस्ट हो रहे हैं,
समझ रहे हो ना आप, आने वाले टाइम में तो ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको, मेरे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो पेरेंट्स मेरे पास में भेजते हैं जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराया है अपने बच्चों को। हाँ बिल्कुल, मेरा कोर्स लेकर ऑनलाइन कराया है घर बैठ के, और उनके बच्चे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से दोनों से लिखते हैं, और लिखते ही नहीं अलग अलग लैंग्वेज में लिखते हैं। आप चाहो तो मैं उस वीडियो को आपके पास भेज सकता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो मेरे बच्चे कैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दो तरह की लैंग्वेज लिख रहे हैं, लेफ्ट से इंग्लिश में, राइट से हिंदी में, है ना कमाल, और अलग अलग बात लिख रहे हैं। तो सोचो कहाँ उनका ब्रेन चला गया है। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई उसको कतई हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। ये देखने में जितनी आसान है अपने आप में उतनी ही सुपर्ब है। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर जी इसका मतलब तो जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं तो वो तो बड़े कमाल के लोग होते हैं, तो उनको तो कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि वे अपने राइट ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वे लेफ्ट हैंड का ज़्यादा यूज करते हैं या लेफ्ट साइड के बॉडी का ज़्यादा यूज करते हैं बजाय राइट के, तो इसलिए वो आप लोगों से ऊपर हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ चीज़ों में आपसे कम होते हैं। मैंने कई बार देखा है जो इस तरह के लोग होते हैं जो राइट ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो सोचते अच्छा है, बोलते अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा होता है, वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी करते हैं, परंतु वे आपसे इस चीज़ में कम हैं, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन कम इस्तेमाल करने की वजह से वे लोग पढ़ाई में कमज़ोर रह जाते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा अब एक एग्जांपल और दूंगा, जो खिलाड़ी होते हैं जो खेलते हैं किसी भी गेम को, उसमें क्या होता है पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, यानी वो लेफ्ट को भी उतना ही इस्तेमाल करते हैं, राइट को भी उतना ही करते हैं। जैसे मैं एक समय पे मार्शल आर्ट सीखा करता था तो मैं लेफ्ट लेग से भी उतनी ही किक मारता था, लेफ्ट हैंड से भी मैं उतने ही पंचेज मूव करता था, और राइट से भी मैं उतना ही करता था। तो मेरा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंसिंग, तो वो बैलेंस में रहता है। बैलेंस में रहता है इन द सेंस मतलब फिर आप लेफ्ट वालों से भी ऊपर हो गए और राइट वालों से भी ऊपर हो गए। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर दुनिया से एक कदम आगे रहना है तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करनी है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो पूरी बॉडी की मूवमेंट, भगवान ने बॉडी बनाई है तो पूरी बॉडी का मोमेंटम आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर डालता है। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है कि मैं आलतू फालतू में आपसे बोलूं कि आप अपनी एक उंगली को इतना पक्का कर लो एक्सरसाइज कर करके, वो कराटे और मार्शल आर्ट और कुंग फू वाली जो ट्रेनिंग होती है ना, जिसमें एक उंगली से आप, मैं बोलूं इसको इतना पक्का कर लो कि आप चाहो तो पेड़ में घुसा सको, बस इतना कर लो खाली, उसके बाद आपको जीवन में ना स्कूल में जाने की ज़रूरत है ना पढ़ने की ज़रूरत है, सब कुछ आप घर बैठे सीख जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लेफ्ट ब्रेन का कम इस्तेमाल करते हैं तो उनको लेफ्ट ब्रेन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो राइट का कम करते हैं उनको राइट की करनी चाहिए। तो मैंने आपको ये एक एक्सरसाइज बताई है, और अभी और भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको राइट ब्रेन के रिगार्डिंग, लेफ्ट ब्रेन के रिगार्डिंग ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ हल्की फुल्की, जो आप घर में रहते हुए कर सकते हो। जैसे कौन सा गेम आपको खेलना चाहिए, कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, और इस तरह की क्रिया है जो मैंने आज बताई है, इसको चलते फिरते आप किधर भी यूज कर सकते हो। मतलब आप राइट हैंड का ज़्यादा उपयोग करते हो, जैसे सपोज करते हो आप किसी बस में जा रहे हो आप, ठीक है ना, और बस में से आपका स्टॉप आ गया, आपको उतरना है वहाँ पे, तो आपने बैग रखा हुआ है ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज उसकी हम लोगों को आदत है। नहीं लेफ्ट से उठाऊँ ना, उसको भी काम करने दो थोड़ा, तो उससे क्या होगा कि जितना उपयोग हम लोग अपने राइट हैंड का और राइट लेग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब राइट साइड की बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, अगर उतना ही इस्तेमाल हम लोग लेफ्ट साइड की बॉडी का करना शुरू कर दे तो हमारा राइट ब्रेन जो है ना ऑटोमेटिकली शार्प होने लगेगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखो कि आपको अपनी पूरी बॉडी को परफेक्ट बनाना है, मतलब आपका लेफ्ट साइड का बॉडी भी उतना ही एक्टिव है जितना राइट साइड का है, तो चंद दिन लगेंगे आपको 90% दुनिया से आगे निकलने में, चंद दिन लगेंगे ओनली, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो इतना कमाल का था, अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो